डिस्टेंस फार्मूला सीखने के बाद अब हम सेक्शन फार्मूले की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट टू। और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 7.2 के क्वेश्चंस बात करेंगे, और जब भी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद 7.3 का जो है एरिया वाला पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना या मीडियंस वाला कॉन्सेप्ट जो है उसे भी करेंगे। और उसके बाद फिर जब भी तीनों पार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले सेक्शन फार्मूला जो है उसे मैं समझा दूँ, सेक्शन फार्मूला है क्या। मैं एक्चुअली आपको फार्मूला पूरा ड्राइव करके नहीं दिखा रहा हूँ, फार्मूला ड्राइव के लिए मैं बाद में आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक ही वीडियो में तीनों फार्मूला ड्राइव करूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, डिस्टेंस फार्मूला। और ये अभी सिर्फ आपको फार्मूला यूज़ कैसे करना है तो वो बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कोई एक लाइन है या कोई दो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, दो पॉइंट है और इसको हमने ज्वाइन किया, तब इसकी लेंथ हो सकती है, कोई लंबाई होगी। इसी के बीच में हमने कहीं पर भी कोई पॉइंट पी ले लिया, मान लो इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स वन है और वाई वन, दो कोऑर्डिनेट हैं। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, वाई वन और वाई टू। अब बीच में पॉइंट पी कोई है तो पॉइंट पी जो है इसके अकॉर्डिंग अगर आप बोलो तो ए पी अपने आप में कुछ हिस्सों में बटा होगा और बी पी कुछ हिस्सों में, यानी ओवरऑल जितना भी होगा तो कुछ पार्ट ये होगा और कुछ पार्ट ये होगा। तो ये कितना पार्ट होगा वो रेशो में फाइंड करना होता है। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि 5 सेंटीमीटर टोटल है ओवरऑल, सपोज, तो अगर ए पी दो है तो ये कितना होगा, 3 होगा, ये दो तो ये 3, इसका मतलब कितना बनेगा रेशो, 2:3 बनेगा। या उसे रेशो को हम डिनोट करने के लिए क्या बोल देते हैं, एम वन रेशो एम टू। एक एम वन पार्ट होगा ये वाला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, एम टू। अब क्वेश्चन एम वन एम टू से हो सकता है, फॉर्मूला भी हम इसी से बनाएंगे। बट अगर आपको कभी भी रेशो निकालना है कभी भी, अब देखो ये रेशो है तो रेशो तो ठीक है अनुपात में जितने हिस्से में बटा इतने, बट जब हम ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे इस पी को, पी का भी तो कोई कोऑर्डिनेट होगा, यानी पी का भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा जिसको हम एक्स और कॉमा वाई मान लेते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हो सकता है। तो जो फार्मूला बनता है इसका, तो फार्मूला क्या, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है हमें तो एक्स के लिए फार्मूला क्या बनेगा, देखो कैसे याद करते हैं, याद भी एक बार में हो जाएगा आपको। कोई भी कहीं से भी स्टार्ट करो, अगर एम वन स्टार्ट करते हो, अरे मैं थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ एक्स टू है ये, एक्स वन एक्स टू वाई टू। अगर एक्स के लिए निकाल दो तो आपको एक्स वाले को यूज़ करना है। तो जैसे मान लो अगर आप एम वन लेते हो, एम वन से स्टार्ट करते हो यहाँ से, तो फार्मूला एम वन के साथ एक्स टू आएगा प्लस एम टू के साथ, एम टू के साथ एक्स वन। यानी कि अगर एम वन, एम को वन लेते हो, एम वन वाली वैल्यू लेते हो तो एक्स टू वाली लेनी है, एम टू वाली वैल्यू लेते हो तो एक्स वन वैल्यू। आगे पीछे करेंगे फॉर्मूले में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में, तो पर अपॉन में क्या, अपॉन में एम वन प्लस एम टू। ओके, ऐसे ही अगर वाई के लिए अगर हम करते हैं, वाई के लिए, तो वाई के लिए करेंगे तो अब फिर क्या, एम वन, एम वन तो वाई टू, ये वन होगा तो वो टू होगा, और एम टू तो वाई वन, और अपॉन में क्या, एम वन प्लस एम टू। तो ये फार्मूला हमें यूज करना है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हो जाएंगे। ध्यान रखना जैसे अभी हमने है एक्स कॉमा वाई ले लिया, दो कोऑर्डिनेट अपने मर्जी से अपने मान ली, लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन ये बोल दे कि एक्स एक्सिस पे काटता है, वाई एक्सिस पे डिवाइड करता है, तो अगर एक्स एक्सिस बोलेगा तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था डिस्टेंस फार्मूला में, एक्स एक्सिस जैसे बोलेगा तो एक्स एक्सिस के केस में हम क्या लेते हैं बताओ, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताना। एक्स एक्सिस के केस में क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो लेते, तो यहाँ पर एक्स और ये इसकी वैल्यू क्या लेंगे, जीरो। जैसे ही वो वाई एक्सिस बोलेगा, इसका एक क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा लास्ट में, 6 क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा और उसके बाद ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस के केस में क्या होगा, वाई एक्सिस पर रखना है तो एक्स को जीरो करना पड़ेगा और वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। ओके, तो ये फार्मूला है, लेकिन अब ये फार्मूला तो हो गया इसका, तो ये जो हमें समझ में आ गया क्या है क्या नहीं जो भी है। बट अगर केस ऐसा हो जाए कि दो पॉइंट है ए और बी, और पी एक कोई पॉइंट है वो मिडिल में, बिल्कुल मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो आप मुझे बताओ एक्स वन वाई वन ये तो हो गया और ये एक्स टू वाई टू हो गया, और मिड पॉइंट है तो मैं एम वन एम टू की जगह सीधा क्या लिख सकता हूँ, वन रेसो वन, वन रेसो वन क्यों, जैसे मान लो अगर ये टोटल 6 सेंटीमीटर की साइड थी तो 3 ही होगा अगर मिड पॉइंट है तो बराबर, और 3 और 3 होगा, अगर 3 और 3 मैं लिखता हूँ तो 3 और 3 रेसो लिखता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इसे काटूंगा तो क्या होगा, वन, जब दोनों सेम पार्ट होंगे तो कोई भी वैल्यू होगी तो कट के रेसो कितना बनेगा, 1:1। तो जब 1:1 बनेगा तो एम वन की वैल्यू 1 और एम टू की वैल्यू 1, रेशो के अकॉर्डिंग ये हो गया। लेकिन लेकिन क्या हो गया क्वेश्चन, बस देखो सम
अभी आगे जब क्वेश्चन बताऊंगा ध्यान रखना, आगे दोनों बराबर तो वन 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 में हो जाएगा, वन वन रेशियो में बन जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला बनाऊँ, जब मैं मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो मिड पॉइंट के केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला होता है, बट इसमें जब वैल्यू रखोगे आप m1 तो m1 की वैल्यू क्या आ गई है 1, फिर x2 तो x2 तो वही है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई x2 हो जाएगा प्लस m2, तो m2 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई x1 हो जाएगा अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये x इक्वल टू ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1, तो आप इसे x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ऐसे y के लिए भी क्या बनेगा डायरेक्ट आप मैं बता दूँ तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ओके आइए इस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 6,3 एंड -4,5 इन द रेशो इंटरनली। ओके रेशो भी दे रखे आपको, तो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो एक लाइन अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, ए बी दो लाइन, ए के कोऑर्डिनेट 6,3 और बी के कोऑर्डिनेट है -4,5। किस रेशो में बांटते हैं, बीच में कहीं भी कोई पॉइंट ले लो आप अपनी मर्जी से, पी ले लिया पॉइंट, और ये रेशो कितना है 3:2। हमें निकालना है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब जहाँ पे कटेंगे यानी इसकी वैल्यू निकालिए, तो कोऑर्डिनेट्स जब कुछ भी नहीं बोला, एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हम अपनी मर्जी से क्या मान लेंगे एक्स और वाई। फार्मूला आपको पता चल चुका है, फार्मूला मैंने ऊपर बता दिया था, ये वाला एम वाला फार्मूला, इसी फार्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। करते हैं फटाफट, एक्स के इक्वल टू में लगाते हो तो एक्स के इक्वल टू में क्या होगा, फार्मूला आपको पता है ना, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन में क्या होगा m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए भी कर सकते हैं आप, इधर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, बस इस पर वैल्यू रखनी है और आंसर अपने आप आ जाएगा। x पर हमें निकालना है, ये कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं है, तो m1 की वैल्यू क्या, m1 की वैल्यू 3 हो गई, x2 की वैल्यू क्या, x2 की वैल्यू -4 प्लस m2, m2 कितना 2 इंटू में एक्स वन कितना 6 अपॉन में एम वन प्लस एम टू होता है तो 3+2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस का 12 और ये प्लस का 12 अपॉन में 5 कितना हो जाएगा 0/5, डेट में आंसर कितना होगा, x के कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0। y को भी सॉल्व कर लेते हैं, एम वन की वैल्यू कितनी 3 और y2, ये पता है ना आपको एक्स वन होता है, ये वाई वन होता है, एक्स टू होता है और ये वाई टू होता है, तो वाई टू कितना है 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 2 और y1 3 हो गया अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3+2, 3×5=15 और प्लस 6 अपॉन में 5 कितना हो जाएगा 21/5, तो आंसर हो गया इस तरीके से। तो ऐसा आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं जल्दी से इजीली। ओके ये 3 है और ये 5 है, एक क्वेश्चन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उसमें कोऑर्डिनेट्स निकाले, लेकिन उसने बोला लाइन को ट्राइसेक्ट करती है, यानी कोई भी एक लाइन है ए बी, उसको ट्राइसेक्ट करने का मतलब तीन बराबर भागों में बांटना, तो किसी भी चीज़ को तीन बराबर भागों में बांटना है तो उसे दो टुकड़े कर दीजिए, अपने आप तीन बराबर भागों में बढ़ जाएगा, जैसे एक पीस मैं यहाँ कर दूँ और एक पीस यहाँ है ना, तो ये देखो अब एक दो तीन, तीन इक्वल पार्ट्स मैंने बांट दिए हैं, यहाँ कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, मान लो पी इधर क्यों, मतलब कोई भी पॉइंट ले लो पी और क्यू, दो पॉइंट ले लिए हमने, पहला पॉइंट पहले के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए का 4,-1 और दूसरे का कितना है बी का है -2,-3। इसने बोला ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन बराबर भागों में, समत्रिभाजक बोलते हैं हिंदी में, समत्रिभाजक समान तीन भागों, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ से अगर मैं ए पी की बात करूँ तो ए पी अपने आप में अगर टोटल कितने हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं, ये एक पार्ट है तो ये कितना पार्ट हो गया दो पार्ट, ये एक पार्ट और इधर एक और एक पूरा कितना हो गया दो, यहाँ पे क्या रेशो बना 1:2। लेकिन जब मैं क्यू पॉइंट की बात करूँ तो इधर कितने पार्ट हो गए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, कितना हो गया दो और इधर कितना एक, तो ये कितना बना 2:1। रेशोज बन चुके हैं, अब उसके बाद इसके भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, इसके इसमें मतलब कि जो हमें सेक्शन फार्मूला है m1 m2 वाला, वो फार्मूला हमें दो बार इंप्लीमेंट दो बार लगाना है, दो बार अप्लाई करना है, तो एक बार सबसे पहले आप इसे भूल जाइए, q को भूल जाइए और उसके अलावा a
बी के बीच में पॉइंट पी लेना है, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, फार्मूला आपको पेपर में लिखना है, बट मैं लिखने में डायरेक्ट कर रहा हूँ, फार्मूला आपको बता ही दिया है। तो x इक्वल टू में क्या, सबसे पहले हम इसे m1 समझेंगे और m2, बाकी x1 है, y1, x2 और y2। तो m1 कितना, 1 मल्टीप्लाई m2 कितना है, सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, कितना आएगा ये माइनस का 2 प्लस का 8 हो जाएगा, ये अपॉन में 3, 8 कैसा है इसको मल्टीप्लाई करके, यहाँ कितना आएगा माइनस प्लस का 6 अपॉन 3, सॉल्व करेंगे तो 2। तो x के कोऑर्डिनेट कितने आ गए p के लिए, y को भी कर लीजिए, y को करेंगे तो m1, m1 कितना है 1, y2, y2 कितना है माइनस 3 प्लस m2 2 है और m1, y1 कितना है माइनस का 1 अपॉन में, इसको भूल जाना, इसको ध्यान मत रखना भी, बस बाकी इसको देखना, ये m1 m2 है और ये x1 y1 x2 और y2 अपॉन में 1 प्लस 2, कौन सा ये वाला, ये माइनस का 3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 अपॉन में 3, तो माइनस का 5 अपॉन 3। तो मतलब p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, आप यहाँ लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स पी इक्वल टू कितना होगा, एक्स की वैल्यू 2 है एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कितने हैं माइनस 5 अपॉन 3, तो पी के लिए तो आ गया। ओके अब क्यू का करते हैं आगे, क्यू के लिए करेंगे तो क्यू के लिए आप अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो हाँ क्यू के लिए ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा, x1 y1 और x2 और y2 तो वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ भी डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, m1 कितना हो गया अब 2 x2 माइनस 2 प्लस m1 1 और y, देखो m1 ये होगा x2 ये हो गया फिर m2 ये हो गया और x1 4 हो गया अपॉन में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1। ओके सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 4 अपॉन में 3, रेड में 0 अपॉन 3 कितना आ गया 0, एक्स आ गया, y को भी सॉल्व कर लेते हैं, देख तो रहा होगा विजिबल होगा, y के लिए करेंगे तो देखो y के लिए भी सेम ऐसे ही, ये हो गया आपका m1 फिर y2, y2 माइनस का 3 है प्लस m2 और y1 माइनस का 1 है अपॉन में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1। ओके जब इस पॉइंट को लेंगे तो इसको भूल जाना है आपको, तो कितना हो गया माइनस का 6 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 वन जा 1 होगा अपॉन में 3, तो माइनस का 7 अपॉन 3। तो यहाँ पे अगर हम सॉरी हाँ अब ठीक है, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में 3, तो ये आ गया आपका। तो अगर क्यू के कोऑर्डिनेट की बात करें हम, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इक्वल टू कितना आ गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस 7 अपॉन 3, तो ये इसके कोऑर्डिनेट भी आ गए और रेशो तो हमें पता ही था कि 1 रेशो 2 और 2 रेशो 1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, बस अब ध्यान रखना ट्राई सेक्शन वाले भी मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं इस तरीके से कवर करूँगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए रेशो वाले में। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स माइनस थ्री कॉमा टेन एंड सिक्स कॉमा माइनस एट इज डिवाइडेड बाय। ओके मतलब निकालने का रेशो निकालें, इसमें अनुपात निकालना है आपको और दो पॉइंट्स दे रखे थे, दो पॉइंट्स लिख लिए हमने और उसको जो डिवाइड कर रहा है तो जो पॉइंट जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई पॉइंट है, मान लो हमने यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लिया तो उस पॉइंट की वैल्यू, जैसे मैं अभी दो क्वेश्चन हमने कर रहे तो वहाँ पर एक्स वाई ले लेते थे, तो यहाँ पर एक्स वाई नहीं लेना हमें, यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है यानी दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको ये बताना है जो पॉइंट है ये किस रेशो में इसको डिवाइड करता है, रेशो क्या है। देखो तो कभी भी रेशो दे रखा होगा ना तो मैं आपको सिंपल बता दूँ, तो एम वन एम टू लेके भी कर सकते हो बट उस केस में हमेशा रेशो क्या ले लेना, के रेशो वन, हमेशा हर क्वेश्चन में बता दूँ जब भी रेशो निकालना हो या रेशो वर्ड रेशो कॉन्सेप्ट यूज होगा तो के रेशो वन मान लेना, इसमें आपका क्या होगा टाइम बचेगा, सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा, एक पार्ट में ही सॉल्व करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। ओके तो ये आपको के रेशो वन ले लिए, आपको रेशो निकालना, हम एक पार्ट सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो दोनों पार्ट करेंगे, तो किसी पार्ट से सॉल्व करेंगे आप, एक्स के लिए फॉर्मूला लगाइए वाई के लिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या, x इक्वल टू एम वन
एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू, ऐसे वाई का भी आप लगा सकते हैं, किसी को भी सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा आपको। देखो अभी एक्स क्यों लिखना है, हमें तो पता है एक्स की पहली वैल्यू एक्स की होती है, ये वैल्यू वाई की, तो एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे छोड़ो माइनस वन लिख सकते हैं इक्वल टू में एम वन, एम वन कितना हो गया के इंटू के टू, सॉरी एक्स टू, एक्स टू कितना है सिक्स, प्लस एम टू कितना है वन, और एक्स वन कितना होगा माइनस थ्री। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना कि लेट पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन रेसो के रेसो वन, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, उसके बाद सॉल्व करना। अपन में एम वन प्लस एम टू, एम वन कितना है, एम वन ये रहा और एम टू ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते ना, तो माइनस का के और इससे करेंगे तो माइनस का वन। ओके इसे सॉल्व करेंगे तो सिक्स, और इसे करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और थ्री वन जा थ्री। के वालों को एक साथ अरेंज कर लीजिए, माइनस के और सिक्स के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में था, माइनस का थ्री, माइनस का वन इधर आगे प्लस का वन हो जाएगा, ये माइनस का सेवन के इक्वल टू में माइनस का टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू अपॉन सेवन। तो बस हो गया क्वेश्चन, हमने क्या माना हुआ था के रेसो वन दिया हुआ था ना, के रेसो वन, के की वैल्यू कितनी आ गई टू अपॉन सेवन और रेसो क्या वन, यानी इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू रेसो सेवन, ये आपका आंसर है, टू रेसो सेवन में इसको डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया इजीली, तो बस इसको ऐसे ध्यान रखना, कभी भी रेसो बोलेगा तो के रेसो वन एज्यूम करके और उसके बाद सॉल्यूशन कर देना है आपको, ठीक है। बाकी कोई कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना अगली वीडियो में बता, बाकी फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, और बाकी और भी चैप्टर्स की वीडियो मैंने अपलोड करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ऊपर आई का सिंबल नजर आ रहा होगा वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके बाद में एस वन के बाद ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन जो भी सब स्टार्ट करने वाला हो सर्कल। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इसलिए मैंने एक सर्कल बना लिया है हुज सेंटर इज, सेंटर दे रखा है एंड बी इज, मतलब कि एक सर्कल है उसका कोई सेंटर है और एक डायमीटर है, तो डायमीटर मान लो हमने ए बी बना लिया, ए बी ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन बोला हुआ ए बी डायमीटर है, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है वन कॉमा फोर। ओके और मिड पॉइंट्स दे रखा है हुज सेंटर, सेंटर का मतलब मिड पॉइंट होता है, तो सेंटर कितना दे रखा है मिड पॉइंट टू कॉमा माइनस थ्री, और आपसे ए के कोऑर्डिनेट पूछ रखे हैं, दैट मीन्स एक्स वन कॉमा वाई वन निकालना है, ऐसा हम बोल सकते हैं, इसे हमने अज्यूम कर लिया एक्स वन कॉमा वाई वन। तो आपको मैंने फॉर्मूले में बताया था मिड पॉइंट के लिए, अगर ये फॉर्मूला आपने देखा था अभी स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया था मिड पॉइंट वाले केस में क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू, तो इससे आंसर आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू और वाई वन प्लस वाई टू अपन में टू, तो इसी को इम्प्लीमेंट कर देते आंसर आ जाएगा। अप्लाई करो तो देखो डायरेक्ट जो वैल्यू गिवन है वो लिखना और एज्यूम कर लिया है, ठीक है, क्या एज्यूम किया है, लेट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल टू एक्स वन कॉमा वाई वन। सॉल्व करते हैं, एक्स के लिए फॉर्मूला पता है आपको एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू, ऐसे ही वाई के लिए वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू। ये जो एक्स होता है ये अपने आप में मिड पॉइंट की को डिनोट करता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है टू, एक्स वन, एक्स वन हमें निकालना है प्लस एक्स टू, एक्स टू ये वाला पॉइंट होगा वन अपॉन में टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा ये एक्स वन प्लस वन इक्वल टू में टू वनजा टू, टू जा फोर हो जाएगा, तो ये तो आ गया फोर आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स वन इक्वल टू फोर, प्लस का वन जा के माइनस में होगा तो ये कितना आ जाएगा थ्री, तो एक्स वन के कोऑर्डिनेट आ गए, ऐसे अब हम वाई का निकाल लेते हैं, तो वाई का मतलब होता है ये वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू को डिनोट करता है और ये वाई की, तो वाई की वैल्यू कितना, क्योंकि ये जो हम निकालते हैं ये जो वाई निकलता है ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हमें क्वेश्चन में मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो मिड पॉइंट जो गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, वाई की वैल्यू यहाँ लेंगे और एक्स की वैल्यू इस केस में, तो वाई की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री इक्वल टू वाई वन हमें निकालना है प्लस वाई टू की वैल्यू फोर है और अपॉन में टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा,
वाई वन प्लस फोर इक्वल टू माइनस सिक्स, तो वाई वन इक्वल टू माइनस सिक्स, प्लस का फोर इधर आके माइनस का होगा, तो वाई वन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टेन। ओके, तो अगर जो आपको बताने थे ए के कोऑर्डिनेट्स, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, थ्री कॉमा माइनस टेन। कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिख देना है यहाँ पे आगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिख के और फिर अब आपको लिख देना है इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आज आपको बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर ही हो जाएगा सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के आते हैं सारे, फिर मैं इसलिए नहीं करेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इफ़ ए एंड बी आर, ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, पी के कोऑर्डिनेट निकालें सच दैट इस प्रकार ए पी इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन ए बी। ए पी यानी कि पी कहीं बीच में पॉइंट है, और इस तरीके से कि ए पी जो है ए पी इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन ए बी है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे वो हम लिख सकते हैं, और बी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है हमें। यहाँ हमें अरेंज करना है ये पी को, इसमें रेशो क्या बनेगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको करना क्या है, ए पी ये ए बी इधर मल्टीप्लाई में है, अपॉन में आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो इसका मतलब ए पी की वैल्यू तीन है और ए बी कितना है, सेवन। ए बी ओवरऑल कितना है, सेवन। तो अगर ये पूरा सेवन है और ए पी कितना है, तीन यूनिट, तीन पार्ट है अपने आप में, तो ये वाला कितना पार्ट होगा, चार पार्ट होगा। या आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे करके दिखा सकते हैं इस साइड में, कि जैसे अगर मान लो ए पी हमारे पास तीन है, ए बी सात है, हमें निकालना क्या है, बी पी, तो आप बी पी निकालेंगे तो बी पी कैसे निकलेगा, ए बी माइनस ए पी, ए बी की वैल्यू सात है और ए पी की वैल्यू तीन है, तो बी पी कितना आ जाएगा, चार। तो आप ऐसे भी निकाल के इसे दिखा सकते हैं। अब रेशो आ गया, हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने, इसे कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब एक्स और वाई निकालना है हमें। ओके, जब कोऑर्डिनेट बोला तो एक्स और वाई निकालना है, लगा दो फॉर्मूला है, एम वन एम टू वाला फॉर्मूला, हमें तो कई बार उन्होंने फॉर्मूला लिख दिए, अब तो आप खुद भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पेपर में फॉर्मूला लिख के करना। तो एक्स इक्वल टू एम वन होता है, एम वन कितना, थ्री इंटू में एक्स टू, एम वन होगा तो एक्स टू, एक्स टू कितना है, दो प्लस एम वन, एम वन चार इंटू में एक्स टू, एक्स टू कितना, सॉरी एम टू हो गया तो एक्स वन, एक्स वन कितना, ध्यान रखना एम वन होगा तो एक्स टू होगा और एम टू होगा तो एक्स वन होगा, अपॉन में एम वन प्लस एम टू, थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा, ये सिक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का एट आएगा, अपॉन में सेवन, तो माइनस का टू अपॉन सेवन, माइनस का टू अपॉन सेवन। तो एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया, अब वाई का भी निकाल लेते हैं, वाई का सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एम वन इंटू में वाई टू प्लस एम टू मल्टीप्लाई में वाई वन, अपन में वाई टू प्लस एम वन प्लस एम टू, तीन प्लस चार कितना आएगा, ये माइनस का बारह होगा और ये प्लस माइनस माइनस सेम भी हो जाएगा, तो माइनस का बारह और अपॉन में सेवन, तो वाई के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन में सेवन। तो दैट मीन्स हमें जो निकालना था पी का कोऑर्डिनेट निकालना था पी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना हुआ, एक्स की वैल्यू तो माइनस सेवन अपन, माइनस टू अपन सेवन, और वाई की वैल्यू माइनस ट्वेंटी फोर अपन सेवन। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है, बच्चे अरेंज नहीं कर पाते हैं। आप लोग क्या करते हो एग्जाम में, यहाँ पे थ्री कॉमा सेवन, थ्री रेशो सेवन ले लेते हो और उसके बाद क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना। ओके, एक क्वेश्चन और कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन उस वीडियो का डिस्कस करते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए की वैल्यू गिवन है, तो ए मैंने लिख लिया लाइन बना के, और बी की वैल्यू भी गिवन है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, मतलब कहीं पे भी कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे डिवाइड किया गया है तो उसका रेशो भी बताना है और पॉइंट पे बताना है हमें। ओके, क्वेश्चन बोले ना, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतने डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिवाइड किया जाता है, मान लो कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया हमने पी, और एक्स एक्सिस का मतलब क्या, जैसे अगर कोऑर्डिनेट निकालने हो तो हम एक्स कॉमा वाई लेते थे, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे वो एक्स एक्सिस बोलेगा, या फर्स्ट वीडियो देखोगे फर्स्ट पार्ट, तो उसमें भी आपको समझ में आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स एक्सिस बोलेगा तो एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है और वाई क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर इसी की जगह क्वेश्चन में ये लिखा था कि वाई एक्सिस लिखा होता तो हम यहाँ क्या लेते, जीरो और कॉमा वाई को वाई लिखते। ओके, तो एक्स एक्सिस में एक्स कॉमा जीरो, वाई एक्सिस में जीरो कॉमा वाई। अब यहाँ पे हमें रेशो निकालना है, फाइंड द रेशो बोला, और मैंने बताया था अभी चौथे क्वेश्चन में कि जैसे रेशो बोलेगा तो वैसे हमें रेशो क्या लेना है, के रेशो वन, थर्ड क्वेश्चन में आई थिंक बताया था मैंने आपको, थर्ड क्वेश्चन बताया था
कि के रेशो वन लेना है, तो के रेशो वन ले लेंगे हम, एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, लेट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेट पॉइंट्स पी डिवाइड ए बी इन द के रेशो वन, ओके, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है बोला हुआ इसने, ओके, उसका तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाओ, मैं तो डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आप लोग पेपर में एग्जाम में लिख के लगाना फॉर्मूला। तो एक्स के लिए जब करेंगे सॉल्व तो कैसे करेंगे, देखो एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू। एक्चुअली वीडियो बड़ी हो जाती है इस चक्कर में, मुझे कुछ समझा देता हूँ बस, मैं थोड़ा सा लिखता नहीं, क्योंकि जितना बड़ा लिखूंगा उतना जब बहुत ज़्यादा टाइम होगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होती है, आप उसे देखना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप राजी हो तो मैं सारे वीडियो सारे एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से लिख लिख के दिखाऊंगा क्या क्या लिखना क्या है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना उसके अकॉर्डिंग। वीडियो अगर बड़ी भी होती तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको, फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में। देखो पहले सॉल्व करेंगे तो पहले ध्यान रखना, देखो इसमें क्या है, एक्स है तो यहाँ तो एक्स तो ऐसे रहेगा, एम वन कितना है के इंटू एक्स टू कितना है माइनस फोर प्लस एम टू कितना है वन और एक्स वन वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू यानी के प्लस वन। अब इसे सॉल्व मत करना, इसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो दो अलग अलग वेरिएबल्स के भी है और एक्स भी है, सॉल्यूशन होना मुश्किल है। पहले आप इसे सॉल्व कर लेना जिसमें जीरो होगा कभी भी, वाई की वैल्यू क्या है जीरो, एम वन के मल्टीप्लाई वाई टू पाँच है प्लस एम टू कितना है वन है और वाई वन माइनस पाँच है अपॉन में एम वन प्लस एम टू के प्लस वन, ये जीरो हो गया, क्योंकि आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं कर लीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो पूरा हो गया, ये कितना हो गया फाइव के और ये प्लस माइनस माइनस का पाँच, ओके। अब सॉल्व करते हैं, देखो ये माइनस का पाँच इक्वल से पहले आएगा तो क्या जीरो प्लस पाँच हो जाएगा, तो यानी सिर्फ पाँच लिख सकता हूँ मैं और इधर फाइव के, तो के इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा वन, पता नहीं कैसे ये अपन में आकर डिवाइड हो जाएगा या इसे ऐसे कैंसिल कर लो तो के की वैल्यू वन आ गई। अब के की वैल्यू जो वन आ गई, तो अगर आपको रेशो निकालना था फाइंड द रेशो बोला था क्वेश्चन में, तो के हमने क्या लिखा था एज्यूम क्या किया था के रेशो वन, यानी कि अगर रेशो की बात करें तो रेशो कितना हो जाएगा वन रेशो वन, के की वैल्यू वन आ गई, बट हम एक्स की कोऑर्डिनेट भी निकाल लें तो एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे हम, ओके एक्स के सॉरी के की जगह कितना आ जाएगा वन मल्टीप्लाई फोर प्लस वन वन जा वन अपन में के की जगह वन और ये वन, तो ये कितना हो जाएगा बताओ माइनस का फोर प्लस वन अपॉन में टू, तो माइनस का थ्री अपॉन टू, ओके। तो अगर मैं बात करूँ रेशो की, तो रेशो किस रेशो में डिवाइड कर रही है, तो वन रेशो वन में, लेकिन अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पी के लिए हमने क्या लिया हुआ था एक्स कॉमा जीरो था एक्स एक्सिस के केस में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस थ्री कॉमा माइनस थ्री अपॉन टू और कॉमा जीरो, क्यों जीरो क्यों, क्योंकि हमने एक्स के साथ क्या रखा था जीरो, तो एक तो वैल्यू निकाल ली और एक हमें ये फायदा होता है, ओके। अगर वाई एक्सिस बोला तो हम जीरो कॉमा वाई लेते, तो वाई की वैल्यू निकालते तो एक्स पहले जीरो आता आंसर में और वाई की वैल्यू आ जाती, तो इस तरीके सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। होपफुली समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक करना, दूसरों को शेयर करना और कमेंट करके बताना कोई प्रॉब्लम हो तो। तीसरा पार्ट भी इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले क्वेश्चन था वो भी जल्दी आएगा, और उसके बाद इसके मिसलेनियस क्वेश्चन, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छे अच्छे, पूरा चैप्टर डिटेल में अच्छे से कंप्लीट करूँगा। मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा कि सारे सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं, वो तो आंसर प्रोवाइड करना वो तो वैसे भी पड़ा, मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन को कवर किया जाए कि हर टाइप से जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको आ जाए, ओके। चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।